प्रशासन मुर्दाबाद। सर ये जो इश्यू चल रहा है यहाँ पर स्ट्राइक का, पहले तो ये था कि पीजीआई के जो हॉस्पिटल अटेंडेंट है उनका जो एरियर है वो रिलीज नहीं किया गया। इवन यहां तक जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसमें चार कैटेगरी का जो था वो रिलीज कर दिया गया, और इनको ऑर्डर हो गया कि दे दो। उसमें सिक्योरिटी गार्ड्स, हॉस्पिटल अटेंडेंट, किचन वीरियर और सफाई कर्मचारी, चार कैटेगरियों का। तो इन्होंने क्या बितकरा किया कि तीन कैटेगरियों का रिलीज करके एक कैटेगरी छोड़ दी, एच ए। उसको लेके हर वर्कर के अंदर जोश था, ऊपर से त्योहारों का सीजन चल रहा है, तो उस मुद्दे को लेके दो चार बार बातचीत हुई मैनेजमेंट से। ये प्रधान है मिस्टर राजेश चौहान जी एच ए यूनियन के, और उसमें फिर जब कोई बातचीत सामने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो स्ट्राइक का अल्टीमेटम दे के परसों से स्ट्राइक पर लगातार बैठे हुए। एरियर जो है जी ये तो वैसे तो 2018 से जो जीता हुआ 2018 से इन्होंने लागू करना था, वो अभी तक नहीं हुआ। अब उसके साथ हुआ क्या, जो तीन कैटेगरियों को था रिलीज भी किया, उनमें क्या किया गया कि एरियर तो इन्होंने दे दिया लेकिन सैलरी टिल डेट रिलीज नहीं हुई। इवन यहां तक 20% एरियर भी पेंडिंग है। अब उस मुद्दे को देखते हुए सफाई कर्मचारी यूनियन और किचन वीरियर ये भी साथ में समर्थन में आ गए, क्योंकि उन्होंने जब सैलरी रिलीज नहीं हुई और अपना क्या बोलते 20% बकाया था, उस मुद्दे को देखते हुए वो भी साथ आ गए, वो भी साथ ग्राउंड में है। तो अबाउट इस वक्त लगभग 3000 कर्मचारी जो है वो ग्राउंड में है। तो परसों जो था 10 तारीख को तीन दौर मीटिंग हुई, एक बार मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो हमारे हैं उनसे साथ मीटिंग हुई, बड़ी शांत में ही वार्ता हुई, लेकिन उसमें पॉजिटिव रिजल्ट कोई नहीं था। वो एक ही बात के लिए अड़े हुए थे कि हमारे पास पैसा नहीं है, अभी तक हमने डीओ लेटर लगा के दिल्ली मिनिस्ट्री को भेज दिया। जब वहां पर सेटलमेंट नहीं हुई फिर डीडीए साहब के पास पहुंचे, वहां पर बुलाया गया हमें, वहां पर भी यही मुद्दा था। हमने उनके पास रिक्वेस्ट करी कि देखो ऐसा है त्योहारों का सीजन है तो कुछ तो रिलीज किया जाए, आपके पास कंटीजेंसी बिल है, कंटीजेंसी एक फंड होता है जिसमें करोड़ों का बजट होता है, उसमें से कुछ हिस्सा रिलीज कर दो, एक साल का रिलीज कर दो, आगे का हमें टाइम दे दो, हम स्ट्राइक को बंद कर देंगे। लेकिन उन्होंने यही बोला कि ये जो कंटीजेंसी इमरजेंसी के लिए होता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था ये जो कंटीजेंसी इमरजेंसी कौन सी इमरजेंसी दिखा रहे हैं, 3000 वर्कर बाहर बैठा हुआ है, पेशेंट सफर कर रहे हैं, अब कौन सी इमरजेंसी इनको चाहिए? जो 3000 हैं ये रेगुलर हैं या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है? सर जी पीजीआई के सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जी। तो इसमें 3-4 यूनियन शामिल हैं जो कि लगातार स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। अब कल भी स्ट्राइक थी, कल कोई भी मैनेजमेंट की कोई कॉल नहीं आई, तो वर्कर के अंदर जोश है देख रही हो आप, आज त्यौहार है, दशहरा है, लोग अपने अपने घरों में खुशी से दशहरा मना रहे हैं, और ये 3000 परिवार यहाँ पर बैठे। जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होती तब तक ये कंटिन्यू डटे हैं, चाहे महीना लगे, 10 दिन लगे, 2 दिन लगे, आधा घंटा लगे। दूसरी तरफ ये भी आती है कि जब कोई भी हॉस्पिटल या बड़े हॉस्पिटल्स में मरीज परेशान होते हैं तो वो भी देखना चाहिए, क्योंकि हमने जब उनसे पूछा तो कहा कि हमने बात भी की है। देखो सर वो बात मैं पहले रख चुका हूँ कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, हम पहले नहीं चाहते, 25-25-30-30 साल से यहाँ पर खून पसीना दे रहे हैं, और सबसे आगे रहती है 2-3 कैटेगरियाँ काम के मामले में। आप देख रहे हो, पढ़ते भी हो, आप भी खबरें लगाते हो कि स्वच्छता अभियान में दूसरे नंबर पर है हिंदुस्तान के अंदर पीजीआई, तो किसकी वजह से? इन कर्मचारियों की वजह से, अधिकारियों की वजह से, अधिकारी तो नहीं सफाई करते ना, तो बड़ी ही ईमानदारी से ये वर्कर काम करते हैं। हम नहीं चाहते कि पेशेंट सफर हो, लेकिन चाह कौन रहे ये अधिकारी। जब आप ये देखो कि रिलीज हो चुका है, तीन कैटेगरियों को रिलीज कर दिया, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, तो परेशानी कहाँ है? अब वायलेशन तो ये कर रहे हैं ना, पेशेंट को सफर ये कर रहे हैं, हमारी तो कोई ऐसी मंशा ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अभी रिलीज करो, हम अभी जाने को तैयार हैं, वापस जाएंगे काम में। तो यही है कुल मिला के हम ये कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं आपके माध्यम से, सेंटर तक आवाज दे रहे हैं, आप ही पहुंचाएंगे कि अगर आधे घंटे में रिलीज हो जाता है ना, वर्कर अभी काम पे जाने को तैयार है, अपने अपने काम पे चले जाएं। तो यही हमारी मैं यहाँ पीजीआई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का प्रोप सलाहकार सेक्रेटरी हूँ, और यहाँ मैं पिछले 22 सालों से सेवा दे रहा हूँ। पिछले 22 सालों में मैंने बहुत कुछ देखे, भूख हड़ताल कर लिया गया, जेल भरो आंदोलन में शामिल हुआ, जबकि वर्कर की कोई गलती नहीं है, वर्कर अपनी जगह बिल्कुल सही है। मेरे निगाह में, निगरानी में जो एडमिनिस्ट्रेशन
बार बार आश्वासन देता, उस आश्वासन पे आज तक 22 सालों में खरा नहीं उतरा। और हर आदमी ये चाहता है कि हम पीजीआई जैसे संस्था में लगे हैं और जो कैपेसिटी हम माता पिता में है, हम में है, वो हमारे बच्चों में नहीं होगा, उनकी कैपेसिटी नहीं होगी उतनी हार्ड वर्क करने की। तो हर माता पिता की ये इच्छा होती है कि मेरा बच्चा अच्छे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करके आने वाले टेक्नोलॉजी समय में वो टेक्नोलॉजी से जुलता मिलता रहेगा, तब उसका गुजारा अच्छे से दिन कट सकेंगे। लेकिन यहाँ तो ये माता पिता का ही शोषण कर रहे हैं, उसके शोषण के शिकार फिर बच्चे भी हो रहे हैं, उसके शोषण के शिकार फिर वो बूढ़े माता पिता भी हो रहे हैं जिन्होंने हमें जन्म दे के कितनी उम्मीद से पाला कि मेरी बुढ़ापे में हमारा भी दिनचर्या सही रहेगा। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि दो तीन दिन के, आज तीसरा दिन है, हम लोग यहाँ जमा हुए हैं अपने अधिकारों को मांगने के लिए, जो कि 2018 का पैसा एरियल का रोक करके जो इन्होंने शोषण किया है हमारे और हमारे बच्चों का, वो बहुत ही निंदनीय है। अगर 2018 में पैसा हमारा एरियल मिला होता हमारे साथियों को, तो हमारे बच्चे सही दिशा निर्देश पा सकते थे या नहीं पा सकते थे। उसका ये जो शोषण किया है उसके तहत ये भी जुर्म के भागीदार हैं, और ये तो क्या कई जगह पे जुर्म के भागीदार हैं, लेकिन सजा सिर्फ गरीबों को मिलती है। ये आपने कई वीडियो में भी देखा होगा, आम तमाम जगह सुना भी होगा कि जो गरीब आदमी है सजा उसी को मिलती है, अमीर आदमी कितना भी कुछ दंड अपराध कर ले सजा उसी को मिलती है, गरीब को उसको नहीं मिलती। ये बहुत ही दंडनीय अपराध है, और मैं निवेदन करूंगा कि जो गरीबों का हक है वो जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए, और ये जो अपने अड़ियल रवैया का अड़े हुए हैं ये गरीबों के तहत ना अड़े, क्योंकि जो आज हम बाहर बैठे हैं और जो मरीज अंदर भर्ती हैं जिनका उपचार सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने का काम है, इस तरह से वर्कर का बहुत काम है, जो मरीज उसके तहत बहुत पीड़ित हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी वर्कर का घर उजड़ जाए, उसकी मांग का सिंदूर उजड़ जाए, उसकी माँ के गोद सूने हो जाए। ये सब ध्यान में रखते हुए भी आज हम यहाँ मजबूरन में बैठे हैं, इस बात को लेकर हमें बड़ा दुख है। लेकिन इसके सबके कसूरवार सिर्फ पीजीआई एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आज हमें यहाँ मजबूरन यहाँ बैठने को 8 महीने का वक्त दे दिया, जब 2 कैटेगरी को 3 कैटेगरी को इन्होंने एरियल दे दिया और एक हॉस्पिटल अटेंडेंट को नहीं दिया, तो ये जलती हुई आग में घी डालने का कार्य अपने आप किए हैं, इसका हरजाना भी यही भरेंगे, ये 100% है। ये जो स्ट्राइक चल रही है जिसमें हमारे एचएस, हॉस्पिटल अटेंडेंट्स, सैनिटरी अटेंडेंट्स, कुछ भी एरर्स जो किचन में काम करते हैं वो स्ट्राइक पे चले गए हैं, इससे थोड़ा सा तो प्रभाव पड़ा है, लेकिन हमने इतना अच्छी तरह से प्रबंध किया ताकि इमरजेंसी सर्विसेज पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, पेशेंट्स ज़्यादा सफ़र ना करें, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज, ट्रॉमा सर्विसेज लगातार चल रही हैं, हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना हम स्मूथली चला सकें उतना हम चला रहे हैं, फिर भी क्योंकि वर्कर्स हमारे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सारी चीज़ों में, उसकी वजह से हम इलेक्टिव एडमिशन्स बंद करनी पड़ रही हैं, इलेक्टिव सर्जरीज बंद करनी पड़ रही हैं, बाकी सर्विसेज जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो हम स्मूथली रन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ओपीडीज में पेशेंट आ रहे हैं हमको, ओपीडीज में जैसे कल हमारे पास 7,000 से ऊपर हमने पेशेंट्स देखे, और आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, उसकी वजह से ओपीडीज तो आज बंद है। मंडे को जो इलेक्टिव एडमिशन्स हैं, इलेक्टिव ओटी, जो फॉलो अप केसेस हैं ओपीडी में, हम वही लेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन शायद ना कर पाएं क्योंकि वर्कर्स नहीं होंगे तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है, लेकिन फॉलो अप केसेस तो हम करेंगे, वो देखेंगे जो भी पेशेंट्स आएंगे। रेफर हैं, आपने एडवाइस किया है कि हॉस्पिटल्स को भी अपील किया कि रेफर पेशेंट ना करें। हमने जो जहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, जो चंडीगढ़ के हैं, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, हमने सबको रिक्वेस्ट करी है और एडवाइस भी दी है कि जहाँ तक हो सके पेशेंट्स रेफर ना करें, क्योंकि जहाँ पे बिकॉज ऑफ स्ट्राइक थोड़ी सी पेशेंट्स को प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ये सब कुछ हमने इसलिए किया है ताकि पेशेंट्स परेशान ना हो, पेशेंट्स आ जाएं इतनी दूर से आते हैं और फिर उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले, तो हम इसी वजह से हमने रिक्वेस्ट करी है कि रेफर्ड पेशेंट्स ना भेजें तो अच्छा है। इनकी डिमांड्स क्या है, क्या कोई बातचीत चल रही है, कब तक खत्म होने की उम्मीद है? इनसे बातचीत के लिए हॉस्पिटल प्रशासन पूरा हमेशा लगातार लगा रहता है, और हम चाहते हैं कि वो बातचीत से जहाँ तक हो सके हल हो सके। प्रशासन ने पूरी ट्राई करी है, एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल्स पूरी ट्राई कर रहे हैं, इवन मिनिस्ट्री तक भी हमने, हमारे सीनियर ऑफिशियल्स ने बात करी है, और ये अंडर प्रोसेस है क्योंकि ये चीज़ एक दो दिन में होती नहीं है। हमारे वर्कर्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हाँ इशू वही है कि इनके कुछ एरियर्स जो बचे हुए हैं उसके लिए प्रोसेस चल रही है, और
टाइम में हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इतनी जल्दी में होना थोड़ा मुश्किल होता है कई बार, तो इसी वजह से वो कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पे चले गए हैं। हमारी तो उनसे यही विनती है कि थोड़ा ऑन द टेबल हम डायलॉग करें, डिस्कस करें, और हम उनको पूरा अवगत करा भी रहे हैं कि क्या प्रोसेस हम कर रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा वक्त लेने की, थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत है ताकि पेशेंट केयर सर्विसेज सफ़र ना करें।